प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। सीएम भजनलाल शर्मा के मैराथन दौरे लगातार जारी है। आज दौसा रामगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम। दौसा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के मैराथन दौरे लगातार जारी है और दौसा रामगढ़ के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा के मैराथन दौरे दौसा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यानी कि जगमोहन मीणा के समर्थन में आज रोड शो करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और साथ ही रामगढ़ के भी दौरे पर रहेंगे इस मुख्यमंत्री। ऐसे में चुनावी धार देने का काम इस समय मुख्यमंत्री के कंधों पर है और उसे बखूबी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। राजस्थान का ये चुनाव खुद को साबित करने का चुनाव है और ऐसे में कोई कोर कसर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज दो दौरे हैं और अहम दौरे हैं, दौसा का और उसके बाद रामगढ़ का। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए सौरभ, सातों विधानसभा उपचुनावों में कैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए सत्ता और संगठन मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर सभी सातों विधानसभा सीटों पर चुनावी सभाओं में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले नामांकन सभाओं में उन्होंने शिरकत की, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कमल खिलाने का। इससे पहले आपने देखा होगा, शुरुआत करते हैं, इस बार दोबारा जो उनका कार्यक्रम शुरू होता है वो उनियारा देवली शुरू होता है। देवली उनियारा सीट पर उनकी पहली सभा देवली में होती है। इसके बाद कल आपने देखा, कल दो जगह सभा हुई इनकी, झुंझुनू और इसके बाद खीमसर में। आज इनकी दो बड़ी अहम सभाएं, दोनों सीटें बहुत अहम है क्योंकि दौसा जब बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और रामगढ़। दौसा में उनका रोड शो रहेगा करीब डेढ़ घंटे पूरा। दौसा शहर में मुख्य मार्गों से होता उनका रोड शो निकलेगा जी। इस दौरान प्रत्याशी भी साथ रहेंगे, प्रियुला मीणा भी साथ रहेंगे और रोड शो करने के बाद करीब ढाई बजे तक ये रोड शो चलेगा। इसके बाद वो रामगढ़ निकल जाएंगे। रामगढ़ में बड़ौदा मेयर कस्बे में इस बार चुनावी सभा का आयोजन किया गया। खास बात यह है सौरभ की पहले जो नामांकन सभाएं जो हुई थी उनका जो स्थान था उसके अलग स्थान रखा गया ताकि पूरी विधानसभा कवर हो सके, क्योंकि पहली सभा अलग स्थान पर थी और ये जो दूसरी सभा है उसको अलग स्थान पर रखा गया। इसके पीछे भी पार्टी की विशेष रणनीति के तहत काम किया जा रहा है ताकि पूरे विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जा सके, कार्यकर्ताओं में मैसेज दिया जा सके और 11 माह के जो कार्यकाल के दम पर तमाम विधानसभा सीटों को जीतने का पार्टी दावा कर रही है। श्री मदनलाल शर्मा हर जगह जाकर कह रहे हैं कि पूरा साल होने के बाद एक एक कार्य का हिसाब हम देंगे कि कैसे हमने 200 विधानसभाओं को बजट दिया, कैसे सभी वर्गों को साथ के हमने काम किया, कोई भेदभाव हमने नहीं किया, पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। और इन्हीं दावों के साथ, इन्हीं वादों के साथ हम एक बार जनता के बीच आए हैं और सातों विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं जनता से। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप लाल सिंह की। चुनावी जो धार है वो देने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर इस समय, क्योंकि आखिरी दौर चल रहा है चुनाव प्रचार प्रसार का और अपने अपने हथकंडे कहे जाएं या फिर अपने अपने तरीके इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं, टीकाराम जूली ने रामगढ़ पहुँचे और वहाँ पर सिंगिंग पॉलिटिक्स शुरू करी, कभी डांस पॉलिटिक्स होती है ऐसे में, क्योंकि ये एक बड़ा प्रभाव डालती है जो अगर चुनाव प्रचार के अंदर अगर बात करें तो, बीजेपी की भी इसी तरह की कोई रणनीति है? क्योंकि वोट जो मतदाता आपको उसका वोट पाना क्रिया तमाम हथकंडे अपनाते हैं जी। अगर हमें उपचुनावों के संबंध में बात करें तो इसकी शुरुआत होती है किरुला मीणा से जी। किरुला मीणा सबसे पहले मतदाताओं के पास निकलते हैं और झोली फैलाकर उनसे वोट मांगते हैं जी। इसके साथ ही आपने देखा होगा अक्सर वो, क्योंकि इधर जो इलाका है दौसा का, सवाई माधोपुर का, यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें नाच गाना चलता है तो किरुला मीणा अक्सर आपको डांस करते हुए नजर आ जाते हैं। उसकी वजह से कि उनसे अभी बात हुई, एक बार जब मैं उनसे मिलने गया था जी। उनका कहना था कि ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और कई बार उनका प्यार इतना है जनता का, लोगों की चाहत इतनी है, उनकी लोकप्रियता का आलम यह कि लोगों को कहते हैं आइए आप एक बार हमारे साथ आइए, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होजिए। इसके बाद इसकी शुरुआत होती है डोटासरा के गपछा से।
जनता पॉलिटिक्स का लगातार आप देखने को मिल रहा है, इन दोनों बड़ा जोर शोर है क्योंकि वो जहां भी जाते हैं गपशप घुमाते हैं। इसके बाद पार्टी ने उसका काउंटर भी किया, कई बार किरुलाल मीणा के डांस और डोटासरा की गपशा डांस दिखाया गया, मीडिया में वायरल किया गया, तो लोगों ने तरह की प्रतिक्रिया दी। लेकिन सबका कुल जो लबोलुभाव निकलता है सौरभ वो यही है कि राजनीति के वो हथकंडे हैं जिसमें मतदाताओं को लुभाने का उसे प्रयास किया जाता है, चाहे वो डांस हो, चाहे आप कह रहे टीका जूली की ओर से गाने हो जी। बिल्कुल अतकंडे हैं, अपने अपने दाव पेज है और आखिरी समय है चुनाव प्रचार प्रसार का, ऐसे में कोई कोर कसर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। लाल सिंह हमारे साथ बने रहिएगा।